मैम देखिए, इस मंथ के सारे क्लाइंट की डील हमारी पूरी हो चुकी हैं और सारे गुड एंड सर्विसेज हम बेच चुके हैं। ठीक है, ये सब तो मैं समझ रही हूँ योगेश, पर तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे ऑफिस के बाहर के ये सारे पार्ट्स इतने गंदे क्यों हैं? क्लीन क्यों नहीं है? तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, अगर वो लोग इतने गंदे पार्ट देखेंगे तो उन पे हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या इंप्रेशन बनेगा? तुम खुद ही सोचो, हमारी कोई डील डन होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ थिंग विद एनी क्लाइंट, तो प्लीज सारे स्टाफ को कह के ना यहाँ पे क्लीन करवाओ। सॉरी मैम, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं स्टाफ को बोल के ये सारे प्रीमिसेस क्लीन करवा दूंगा आज शाम तक। सर, ये तो सर है। अरे सर, अरे सर, आप यहाँ? अरे कौन है आप? आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं ऐसे? सर, आप जानते नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ आज आपको देख के। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मिनट मैडम, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इतने बड़ी कंपनी की सीईओ और आप इस 2 करोड़ के कार्ड के पैर छू रही हैं? मैडम आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको अपने इमेज की वैल्यू नहीं पता क्या? योगेश, जबान संभाल के बात करो, और तुम जानते नहीं हो कि ये कौन है? अरे इनकी वजह से जो कुछ मैं हूँ, अगर इनका हाथ मेरे सर पे नहीं होता ना, तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर नहीं होती। ये मेरे टीचर है, इन्होंने मेरे को 1st to 12th तक पढ़ाया है। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी कि आज जो कुछ भी होना मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। कौन है आप और आप मेरे ऐसे पैर क्यों छू रही हैं? सर, मैं कैसे याद दिलाऊँ आपको? हाँ सर, याद करिए, जब 10th क्लास में मुझे सारी असेंबली के सामने सर्टिफिकेट मिल रहा था, तब आपने मेरे लिए स्पीच कही थी, 2 लाइन कही थी कि मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ। और उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे कि जो मेरे इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे, आज मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम तो ज्योति सिंह हो ना? हाँ सर, ज्योति। अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो हमारे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट, अरे हमारे क्लास ही की नहीं, हमारे पूरे स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट थी। और तुम्हें याद है मैं तुम्हें डांटता था? अरे मेरे डांटने का भी ना मतलब होता था, क्योंकि मुझे पता था तुम ना बहुत तेज हो पढ़ाई लिखाई में, अगर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं तो तुम मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगी, तुम ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद करती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें डांटता था, तुम पे गुस्सा करता था, तुम ध्यान लगा के पढ़ाई करो। और आज तुम इस मुकाम पे पहुंच चुकी हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। और एक अध्यापक के लिए ना सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका शिष्य किसी ऊँचे मुकाम पर पहुँच जाए। तुमने सच में आज ज्योति मेरा नाम रोशन कर दिया है, भले ही मुझे अब कोई ना जानता हो, लेकिन तुमने आज मुझे पहचान करना मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सर, मैं तो आपके शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल टू यू कि सर आपने इतनी मेहनत करी मुझे पढ़ाने में, आपने हर स्टूडेंट पे अपना 100% दिया और आपके सारे स्टूडेंट आज इतने अच्छे मुकाम पर है, सिर्फ आपकी मेहनत है सर इसमें। सर, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बोर्ड्स के टाइम रात में पढ़ रही होती थी और कभी भी मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होता था, तो मैं आपको तेज झिझक कॉल या मैसेज करके पूछ लेती थी, और आप कभी डांटते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे क्या ये टाइम होता है कॉल करने का। और सर, आपकी वो मेहनत ना रंग लाई है, इतनी बड़ी कंपनी की मैं मालिक हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच सर। सर, सच में सही मायने में आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सब आपकी बदौलत है। सर, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, आपकी इतनी अच्छी जॉब थी, आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, इतने रेपुटेड थे, नॉलेजेबल थे, लेकिन सर आज ऐसा क्या हो गया कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? तुम सही कह रही हो, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना ना मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी मजबूरी बन चुकी है। पिछले 2 सालों में मेरे साथ जो जो हुआ है ना, वो बस मैं ही जानता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी एक छोटी बहन हुआ करती थी, वो रोज़ की तरह अपने स्कूल जा रही थी, और जब मैं उसे स्कूल से लेने जा रहा था ना, वो बस रोड ही पार कर रही थी कि उसे एक ट्रक वाले ने आकर अपनी गाड़ी से ठोक दिया। और जब उसे ट्रक वाले ने ठोका ना, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसका पूरे 2 महीने इलाज चला, और उसके इलाज में ना मेरी जितनी सेविंग्स थी मैंने सारी उसके इलाज में लगा दी। मैंने जितनी अपनी ज़मीन जायदाद थी सब कुछ बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को बचाने के चक्कर में। जब मैंने ये सब किया
उसके बाद मुझे लगा कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी बहन उसके बाद भी बिल्कुल ठीक ना हो पाई और वो मर गई। जब वो मुझे छोड़कर गई, मुझे लगा कि मेरे पास से ना सब कुछ चला गया, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा था। अरे मैं कहाँ जाता, किसके पास जाता, मेरा कोई भी नहीं था उसके सिवा। मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। मैंने अपने आप को 2 महीने के लिए कमरे में बिल्कुल बंद कर लिया। मैं बस यही सोचता रहा कि भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो उन्होंने मुझसे मेरी बहन छीन ली। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक बहन खोने का गम ना सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और इसी बीच में ना मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, मैंने अपनी सारी डिग्रियाँ जला दी कि जब मेरी बहन मेरे पास नहीं है तो मैं किसके लिए ये सब करूँगा। मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि एक शरीर को पालने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। मैं मर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, मैं ऐसे कायरों की तरह मर तो नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। मैंने सारी डिग्रियाँ तो जला दी थी, मुझे कोई मेरी डिग्रियों के बेसिस पे कोई काम नहीं देता। इसलिए मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। आज मैं तुम्हारे सामने गार्ड बन के खड़ा हुआ हूँ। सर, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, सही समय पे मिल गए। आपकी ये नॉलेज, हार्डवर्क और इस तरीके की मेहनत करने वाला एटीट्यूड मैं कभी भी खाली जायज नहीं जाने दूंगी। सर आपको ना मैं अपनी कंपनी में एक रेपुटेड पोस्ट दूंगी, क्योंकि सर आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं आपके स्किल, नॉलेज और मेहनत से वाकिफ हूँ। मुझे पता है आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे पता है कि आप अपने काम को कितनी लगन और शिद्दत से करते हैं। चलिए सर। नहीं नहीं ज्योति, तुमने मुझे पहचाना, मुझसे आके बात करी, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं कहाँ इतना बड़ा हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में आकर जॉब करूँगा। सर देखिए, आप मनामत कीजिए और मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड बोला। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्योंकि पता नहीं था कि आप हमारी मैम के सर हैं। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं आपसे हमेशा रिस्पेक्ट देके ही बात करता। मैंने इससे पहले भी आपके साथ बदतमीज़ी करी है, मैं उन सब चीज़ों के लिए शर्मिंदा हूँ सर। और मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। सर इसको अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगे। आप हमारी कंपनी पे एक रेपुटेड पोस्ट पे होंगे, क्योंकि मैं सर चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब आपकी गाइडेंस में रहे, उनको भी आपके जैसा मेंटोर मिले, ताकि वो भी अपनी लाइफ में तरक्की कर सके और मेरी कंपनी को एक ऊंचाइयों तक लेके जाए। जी बिल्कुल ठीक है हमारी मैम ने। देखिए सर, आप मना मत कीजिए, अगर आप जैसे स्किलफुल लोग हमारी कंपनी में रहेंगे तो हमारी कंपनी कामयाबी की ऊंचाइयां छुएंगी। प्लीज़ देखिए सर, मना मत कीजिए। और मैं मैम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो आपको बहुत अच्छी पोस्ट देंगी और आप डिज़र्व करते हैं हमारी कंपनी की सीनियर पोस्ट पे। ठीक है ज्योति, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सर इसको बस मेरी गुरु दक्षिणा मानिए। आपने इतना टाइम मेरे पे इन्वेस्ट करा है, मेरे पे इतनी मेहनत करी और इसका फल है कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी को खड़ी कर पाई हूँ। बस सर मैं आपका साथ और आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि मैं और आगे बढ़ूँ।